उनका दम दिखाने के बाद तुर्की ने एक बेहद घातक अटैक हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया है। हालांकि तुर्की का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर आतंकवादियों का काल है, लेकिन उसके इस वीडियो को जारी करने की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि फिलहाल उसकी अपने पड़ोसी और नेटो के दूसरे सदस्य ग्रीस से बुरी तरह ठनी पड़ी है। ऐसे में इस वक्त तुर्की के अपने T-129 टैक्टिकल रिकॉग्निशन एंड अटैक हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी करने के पीछे निशाना ग्रीस भी हो सकता है। तुर्की का दावा है कि उसका ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसने अगर एक बार उड़ान भर ली तो फिर तो आतंकवादियों की मौत तय है। चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, किसी भी तरह का इलाका हो, हर वक्त हर मौसम में हर जगह तुर्की का ये हेलीकॉप्टर अपनी मान में छिपे बैठे आतंकियों का शिकार करने की ताकत रखता है। इस हेलीकॉप्टर का निशाना भी इतना सटीक है कि मिसाइलें अपने निशाने से जरा सी भी इधर उधर नहीं होती, सीधे अपने टारगेट पर ही पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक बाजार में भीषण आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। बताया गया कि ज्यादातर दुकानें लकड़ी की बनी हुई थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग की वजह अभी तक सामने नहीं आई। खबर यूपी के आगरा से, जहां एक सांड की गर्दन में साइकिल फंस गई, जिसके बाद सांड अपने गले से साइकिल को निकालने के लिए इधर उधर भागने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सड़क पर खड़ी इस साइकिल में सांड ने टक्कर मारी थी और फिर ये साइकिल उसके गले की हड्डी बन गई। गर्दन में फंसी साइकिल लेकर सांड इधर उधर दौड़ने लगा और उसे गले से निकालने की पूरी कोशिश की। सांड के इधर उधर भागने से लोग दहशत में आ गए। बीच सड़क पर सांड का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जब साइकिल उसकी गर्दन से बाहर नहीं निकली तो वो थक हार कर बैठ गया और शायद मदद का इंतजार करने लगा, जिसके बाद कुछ लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद सांड के गले से साइकिल को निकाला। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका की फौज यूक्रेन के बेहद करीब पहुंच गई है। वो भी अमेरिका की फौज की एक ऐसी यूनिट जो कामयाब हवाई हमले करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और दुनिया के कई हिस्सों में कामयाब ऑपरेशन कर भी चुकी है। जब से जंग शुरू हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका की फौज यूक्रेन के करीब भी पहुंची हो, लेकिन इस बार तो यूक्रेन से केवल 5 किलोमीटर दूर अमेरिका की फौज पहुंच चुकी है। ऊपर से इस घटना का वक्त भी अहम है। ये वो वक्त है जब खेरसोन पर यूक्रेन की फौज फिर से कब्जा करने की पूरी कोशिश में जुट गई है। उधर यूक्रेन की फौज के तेवर बदल रहे हैं और यूक्रेन की सरहद के पास अमेरिकी फौज पहुंच चुकी है। गो, 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 गो। माना जा रहा है कि यूक्रेन के करीब पहुंची अमेरिकी फौज एक बड़े मिशन के साथ पहुंची है। रोमानिया के साथ यूक्रेन का लंबा बॉर्डर लगता है। रोमानिया नेटो का सदस्य है और अमेरिका की फौज रोमानिया में ही पहुंची है, लेकिन यूक्रेन की सीमा के इतने करीब अमेरिकी फौज का पहुंचना रूस को उकसाने वाला है। खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिकी फौज की यूनिट ने यूक्रेन की सीमा के पास अभ्यास भी शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते ही रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की बजाय और बिगड़ने की खबर है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच हुई इस बातचीत के बाद ही जंग में रूस ने आक्रमण तेज कर दिए, जबकि अमेरिका ने अपनी एक यूनिट को यूक्रेन की सीमा के पास भेज दिया। जिस दस्ते को रोमानिया भेजा गया उसे स्क्रीमिंग ईगल्स के नाम से जाना जाता है। हवाई हमलों की सटीक योजना बनाने में इन्हें बेजोड़ माना जाता है। मुश्किल से मुश्किल जगहों पर मिशन को अंजाम देने में भी इनका कोई सानी नहीं। अमेरिकी फौज के ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इस यूनिट के रोमानिया पहुंचने का वीडियो भी जारी किया गया। पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि इस यूनिट के 2400 सैनिकों को यूरोप में तैनात किया जाएगा, लेकिन ये तैनाती और इन सैनिकों का अभ्यास यूक्रेन की सीमा के इतने करीब होगा ऐसा पहले कभी नहीं कहा गया था। माना जा रहा है कि अमेरिका और नेटो की तैयारी किसी बड़े ऑपरेशन की है, एक ऐसा ऑपरेशन जो यूक्रेन की जंग का रुख ही पलट दे। अफ्रीकी देश सुडान की राजधानी खर्तूम में सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। वहां सैन्य तख्तापलट का एक साल पूरा होने पर लोग विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उन पर सेना के जवानों ने ऐसी सख्ती दिखाई कि उनकी जान पर बनाई। सैकड़ों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए।